हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे DIY वाटर कैंडल। इसके लिए मैंने दो जार लिए हुए हैं, एक बाउल लिया हुआ है। ये इजीली आपके घर में मिल जाएंगे। आप चाहें तो अलग अलग शेप के बाउल ले सकते हैं, या आपके पास ग्लास हो तो वो भी ले सकते हैं आप। तो ये आपको कांच के लेना है, इससे वाटर कैंडल बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसका लेड निकाल देती हूँ। मेरे पास कुछ स्टोन्स हैं, हम इससे इसको डेकोरेट करेंगे। देखो, ये मेरे पास बहुत ही अच्छी फिश है ब्राउन कलर की स्टोन की, तो मैं इसे यहाँ पर रखूँगी फ्रंट में। ऐसे हम ग्रीन कलर के स्टोन से डेकोरेट करेंगे। देखिए, यदि आपके पास स्टोन्स ना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे विदाउट स्टोन भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने ब्लू कलर के स्टोन्स डाल दिए हैं और इसमें मैं व्हाइट कलर के स्टोन डाले। आप स्टोन पहले डालें, इसके बाद वाटर डालें, क्योंकि यदि आप पानी पहले डालते हैं और बाद में स्टोन डालेंगे तो पानी ऊपर आ सकता है। आपको पानी पूरा नहीं भरना है, सिर्फ थोड़ा सा छोड़ना है ताकि आप इसमें बाद में जो मैं बताऊँ वो कर सकें। देखिए, इस तरीके से आपको वाटर कैंडल है तो पानी तो मैंडेटरी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है अभी से ये। देखिए, चाहे तो आप बस इतना ही करके इसको छोड़ सकते हैं, ये भी बहुत एट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन यदि आपको इसमें और DIY करना है तो आप इसमें कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कलर्स भी ऐड करना सिखा दे रही हूँ आपको। देखिए, ये एक्रेलिक कलर है, ये रेड है और ये येलो है। तो मैं आपको दोनों कलर यूज़ करना सिखा दे रही हूँ। मैंने सबसे पहले थोड़ा सा वाटर लिया हुआ है, और ये देखिए, मैं बस थोड़ा सा ही कलर लूँगी। इसके बाद मैं उसे इस तरीके से पानी में मिला लूँगी, बिल्कुल थोड़ा ही लेना है आपको। और इस तरीके से आप बिल्कुल हल्का सा डाल दीजिए ताकि वाटर का कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो कलर का वाटर हो चुका है। अब इसी टाइप से सेम हम यहाँ पर रेड एक्रेलिक कलर लेंगे, उसको भी बिल्कुल थोड़ा ही लेंगे। ये देखिए, ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो इसकी, ये देखिए, तो दिख रहे हैं आप, इसको मैं विदाउट कलर रहने दूंगी ताकि आप देख लें कि कोई दिक्कत नहीं होती है विदाउट कलर भी। तो चलिए, इसके बाद हमको क्या करना है, हम ये देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से आपके पास जो भी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है वो आपको लेना है। ये इजीली कोई भी आप शॉपिंग करते हो उसमें इजीली आ जाती है, तो वो हमको लेना है। हमें इस तरीके से उसे फोल्ड करना है और इसके बाद हम इसे राउंड शेप में कट करेंगे। एक सीजर की हेल्प से आप इसे कट कीजिए। तो देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ी भी कट नहीं करना, बहुत ज़्यादा छोटी भी कट नहीं करना। तो लाइक दिस हम इसको हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। कोई शेप थोड़ा बहुत बिगड़ गया तो भी कोई मैटर नहीं है। इसके बाद आप इसको बीच में से एकदम छोटा सा छेद करेंगे ताकि जब हम इसमें कैंडल लगाएं तो इजीली लग जाए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ देख रख के देख सकते हैं, तो बीच में आपको थोड़ा सा गेप मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, मैं इस, हमारे पास तीन हैं तो मैं एक बार और इसे बना लेती हूँ ताकि मेरी एक और कैंडल बन सके। तो मैं सेम इसी तरीके से इसे कट कर लूँगी। अगर आपका छेद बिगड़ जाता है तो भी दिक्कत नहीं, बट बीच में एक छेद होना ज़रूरी है, जैसे कि ये मेरा स्क्वायर शेप में हो गया। अब मैं इस तरीके से जो बाती होती है जैसे हम दीपक के साथ जलाते हैं वो हमें लेना है, नॉर्मल जो बत्ती हम जिसे बोलते हैं बाती बोलते हैं, तो उसे हम लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कॉटन की सहायता से इसे बना भी सकते हैं। हमें इस शेप में लेना है, तो ये अपनी जो नॉर्मल बाती होती है मार्केट में मिलती है, ये लीजिए, और इसे हम कट करेंगे। सीजर की मदद से कट कर सकते हैं आप, हाथ से भी इसे अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको जब कट कर लेंगे तो आपको इस शेप में आपको ये मिल जाएगी। तो देखिए, हम इसे थोड़ा सा फैला लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमने छेद बनाया है, जो हमने होल किया है, उसमें हम इसको फिक्स कर देंगे इस तरीके से ताकि ये बाती ऊपर की ओर निकल आए। हम तीनों इसी तरीके से बना लेंगे। आप इस कैंडल को
बर्थडे में, बच्चों के बर्थडे में, किसी भी पार्टी के ओकेज़न में, या दिवाली पे, इसको ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। आप इसे सेंट्रल टेबल पे रख सकते हैं या कहीं भी कॉर्नर पे रखेंगे तो ये आपके कॉर्नर के लुक को इन्हेंस कर देगी। तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही अच्छी और ईजीली बनने वाली है। देखिए मैंने तीनों इस बना लिया है, अब हम बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आ गए हैं। देखिए ये है हमारा ऑयल, जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं ये वही है। तो हम मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया, 100 ml अप्रॉक्स होगा आई थिंक सो, या 50-60 ml। तो ये देखिए हम इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। ये आप देखोगे ये अपने आप ऊपर आ रहा है, अपने आप ऊपर आएगा और ये मिल जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से मैं सब में थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। ये इसका कारण क्या है, ये ऊपर आ रहा है, एक्चुअल में ऑयल की डेंसिटी कम होती है वाटर से, दैट्स वाई ये इसके सरफेस पर तैरता है। तो इस तरीके से बस हमको इतना ही काफ़ी है, जिस तरीके से आप दीपक जलाते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर प्रोसीजर करनी है। आपको जितने टाइम अपना दीपक जलाना है आप उस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लूँगी और इसके ऊपर लगा दूँगी ताकि ये बाती ईजिली जल सके। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से लगाया है और मैं इसको इस तरीके से मैंने रख दिया। अब सेम प्रोसीजर मैं इसके साथ भी करूँगी, आपको बाती के ऊपर ऑयल ज़रूर लगाना है ताकि वो जल्दी से जल सके। ये देखिए तो मैंने ये ऑयल लगा दिया है, अब मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। और आपको उसी साइड पर वो करना है, जैसे कि ये हो गया तो मैं कोई बात नहीं, मैं इसमें दूसरी बाती लगा देती हूँ क्योंकि इसका जो वो है वो ज़्यादा कट हो गया, इसलिए मैं थोड़ी सी बड़ी बाती इसमें लगा देती हूँ। तो ये देखिए मैं इसमें ऑयल इसलिए लगाना है ताकि ये नीचे तक ना जाए, इसकी जो लो है वो नीचे तक ना जाए। तो इस तरीके से मैं इसको ऊपर की ओर ले लेती हूँ। ये देखिए आपको इसको सीधा ही रखना है, टेढ़ा नहीं करना है। और देखिए अगर आपके पास एक्रेलिक कलर ना हो कलर करने के लिए तो आप वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा लुक देगी। और इस तरीके से ये मेरा तीसरी कैंडल भी रेडी होने वाली है। देखिए इसे भी रख दिया, अब हम इसको जला लेते हैं और देखते हैं ये कैसी दिखती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कैंडल बनकर रेडी हुई है, और ये विदाउट आपने कलरिंग भी ये बहुत अच्छी लग रही है, वैसे भी आप इसे विदाउट कलरिंग भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं सेंटर टेबल पे, तो ये बहुत ही अच्छा लुक आपको देगी। तो कैसी लगी आपको, यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो इसी तरीके से अजब अनोखों को प्यार दीजिए। थैंक यू।